इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से स्टार्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे हमने लीनियर मोशन किया था वैसे ही सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है एंगुलर मोशन। तो जो काम एक्स करता था लीनियर में वो काम इसमें थीटा करेगा। मींस हमने उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट ली पर हम इसके अंदर क्या लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर के साथ मेजर की जाती है थीटा। जो काम इसमें वी करेगा वो काम उसमें ओमेगा करेगा। इसमें वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, उसमें ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। लीनियर एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। वी इज यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ऐसी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह एस की जगह थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और फ्रिक्वेंसी वन बाय टाइम पीरियड है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो इसका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कुछ नहीं करना आपने इसमें। एक चीज़ इसमें बस ध्यान से ये देखनी है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एक फोर्स होगी जिसका नाम क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो इसका पहला रूल ये है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी स्पीड हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि मैंने नाम क्या दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक और मोशन है जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो हर इंस्टेंट पर क्या रहेगी, सेम। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो हर इंस्टेंट पर क्या होगी, चेंज। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगी, चेंज। राइट, क्लियर है यहाँ तक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो इसमें किसी भी बॉडी चाहे स्पीड सेम हो या ना हो, अगर वो सर्कल में घूम रही है तो उसके पास एक फोर्स होगी जिसका नाम क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कहाँ एक्ट करेगी, हमेशा टूवर्ड्स सेंटर। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला या तो एम वी स्क्वायर बाय आर होगा या फिर एम आर ओमेगा का स्क्वायर होगा। इसका प्रूफ आपको जरूरत नहीं करने की, बस ये पता होना चाहिए। सेंट्रिपिटल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या सेंट्रिपिटल फोर्स है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर। जब हम एक्सेलरेशन वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में हमेशा ये आता है कि शायद स्पीड चेंज हो रही है। याद रखना एक चीज़ क्या, कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में। सेंट्रिपिटल फोर्स या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू में कभी भी चेंज लेके नहीं आएगी। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी के पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है या सेंट्रिपिटल फोर्स है, आप सिर्फ ये बोलो कि बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, आप ये मत बोलो कि बॉडी की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स होने का रीज़न चेंज ऑफ सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी अपने डायरेक्शन चेंज कर रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। और अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, तो मान लो स्पीड भी चेंज हो रही है, तो इसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी है और साथ में इसके पास एक और एक्सेलरेशन है या एक और फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो जब कोई बॉडी की स्पीड भी चेंज होगी और बॉडी सर्कल में भी घूमेगी, सर्कल में घूमने सर्कल में घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रिपिटल फोर्स, पानी के लिए बोलना। और टेंजेंशियल मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल फोर्स। तो उसी तरीके से अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, उसके पास दो दो एक्सेलरेशंस होंगी, सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल। नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, इन सब का वेक्टर सम होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, वी स्क्वायर बाय आर।
वी स्क्वायर बाय आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने का तरीका होता है डी वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। तो अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक्सीलरेशन इसमें जीरो हो जाएगी। थैंक यू यार। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो एक तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल है, नहीं हो रही तो सिर्फ सेंट्रीपेटल है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब v और ओमेगा के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने याद रखना है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपेटल फोर्स m आर ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया। नेट एक्सीलरेशन ये मैंने आपको बता दी। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो सकता है आपके पेपर में आ भी जाए, किस्मत अच्छी हो तो आ भी सकता है कि अगर कोई साइक्लिस्ट बेंड कर रहा है तो वर्टिकल के मोड़ काटते हुए वो अपने आपको बेंड कर लेता है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो उसका जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी। आर का मतलब कितने रेडियस में वो चक्कर काट रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन ऑफ अ लेवल रोड, ये तो बहुत आता है पेपर में। एक आम सड़क है, बैंकिंग नहीं हो रखी, नॉर्मल सड़क है और उसमें फ्रिक्शन है, कोई भी कार क्या कर रही है, सर्कल में घूम रही है। तो जब भी कोई कार एक राउंड अबाउट के अबाउट सर्कल में घूमेगी तो कौन उसको सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आप उसका फॉर्मूला नोट करें, तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि वो कार रोटेट कर सकती है उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये नोट कर लें, यह आ जाता है पेपर में कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है कार की घूमने की, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बहुत आता है पेपर में बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बैंकिंग ऑफ ट्रैक में आप एक सड़क के एक हिस्से को उठा देते हैं और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि कार घूम सकती है, ये फॉर्मूला नोट करना है, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है विद बैंकिंग। तो पहले वाला केस था बिना बैंकिंग के कार का घूमना, दूसरा केस है विद बैंकिंग कार का घूमना एंड विद फ्रिक्शन कार का घूमना, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी, दोनों के दोनों है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपने इसमें ये समझना है इस क्वेश्चन में कि जैसे दो किस्म के सर्कुलर मोशन में ना दो टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं नॉर्मली। पहला जो कॉन्सेप्ट चलता है सर्कुलर मोशन में वो चलता है हॉरिजॉन्टल सर्कल का, आपको न्यूमेरिकल आएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल का, और दूसरा आएगा वर्टिकल सर्कल का। ठीक है, वर्टिकल सर्कल का मैं यहाँ से डायग्राम से बना देता हूँ। ये देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई भी पत्थर घुमाया जाएगा इस तरीके से ऐसे, और मान लो स्ट्रिंग के साथ घुमाया जा रहा है तो टी इसकी टेंशन है। हॉरिजॉन्टली जब कोई बॉडी घूमेगी तो टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट चलता है बस। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर है। ठीक, लेकिन जब वर्टिकल सर्कल होगा, वर्टिकल सर्कल में प्रॉब्लम ये है, टेंशन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे चेंज हो रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होती है, टेंशन कम 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 होते होते यहाँ पर क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। टेंशन मिनिमम, टेंशन मैक्सिमम। ठीक है, हर इंस्टेंट पे टेंशन चेंज होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आपको, जैसे ये तो केस है ही है, मैं दो केस में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं पहले एग्जांपल देता हूँ हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया कि ये टेंशन टी है और ये पत्थर का मास एम है और ये आर रेडियस में घूम रहा है, तो टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरा कई बार ऐसा होता है कोई भी बॉडी एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर घूम रहा है, हेमिस्फीयर घूम रहे हैं, हेमिस्फीयर अगर मान लो रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, ये लो विद ओमेगा, और यहाँ पे कोई भी एक इंसेक्ट है, कुछ भी है, उसके साथ साथ घूमे जा रहा है कुछ इस सर्कल में, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो इसमें इक्वेशंस क्या बनती हैं, क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस पर, इक्वेशंस क्या बनती हैं, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे है, सबसे पहले इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। हेमिस्फीयर के केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगा, टूवर्ड्स सेंटर। ठीक, पॉइंट नंबर वन, नॉर्मल रिएक्शन है सेंटर के साथ एंगल क्या बनाना है, थीटा। तो आप क्या करेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स होंगे एन कॉस थीटा और फिर कंपोनेंट क्या होगा, एन साइन थीटा। तो ये मान लो स्मॉल आर रेडियस में घूम रहे हैं
और जो रेडियस इस हेमिस्फेयर का रेडियस है वो कैपिटल आर है और सर्कल का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है लेट अस सपोज। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और स्मॉल आर को आप ये यूज़ कर सकते हैं इफ़ नीडेड। फिर आपने क्या करना है, इसमें इसका वेट ड्रॉ कर देना है जो कि कितना है एम जी। नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी एन साइन थीटा, इस जो इंसेक्ट है उसका रेडियस स्मॉल आर है, वो स्मॉल आर सर्कल में हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, तो एन साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल, ये क्वेश्चन नंबर टू है। और तुम इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो, फिर मुझे नहीं पता वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा डिवाइड कर लेना, सब्सटीट्यूट कर लेना, वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से आंसर आएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ हेमिस्फेयर के केस में इक्वेशंस बनती क्या है, और नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाता है हेमिस्फेयर के ऊपर, ये नहीं आएगा। तो मैंने क्वेश्चन देखा पी वाई क्यू में हॉरिजॉन्टल के ऊपर, कम से कम पाँच क्वेश्चन आ रखे हैं, कम से कम पाँच। वो ये कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया, इसको घुमाना शुरू किया, इसकी लेंथ एल है, इसको घुमाना शुरू किया, अब क्या हुआ, ये थोड़ा एक्सपैंड हो गया घूमते घूमते, कितना एक्सपैंड हो गया, एक्स एक्सपैंड हो गया, ये एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एल प्लस एक्स। तो अगर ये इस सर्कल में घूम रहे तो इसमें जो टेंशन है वो टेंशन कहाँ करेगी, टूवर्ड्स सेंटर, टेंशन कह लो फोर्स कह लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू एल प्लस सॉरी के इंटू एक्स। टेंशन की वैल्यू या स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, कितना स्प्रिंग एक्सपैंड हो चुका है एक्स, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी इसमें, ये टेंशन की वैल्यू है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसके अंदर ये जो फोर्स है टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है, ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड सेंटर है, और क्या प्रोवाइड कर रही है इसमें, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है एम आर की जगह एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कितने रेडियस में ये जो मास है वो घूम रहा है, आपने बोला है एल प्लस एक्स, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन के बेस पे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जब पूछेगा आज हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद करना, ठीक है। तो स्प्रिंग की फोर्स इसमें सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है, और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में नॉर्मली कम क्वेश्चन आते हैं, पर जितने आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। बाकी अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारे सर्कल्स आ जाएंगे। मेन जो है वो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो पेंडुलम है, क्योंकि जो पेंडुलम है जब भी वो मूव करेगा आगे पीछे तो वो किस मोशन में होगा, वो वर्टिकल सर्कल होगा। वर्टिकल सर्कल में जैसे अगर पेंडुलम की बात भी कर लें, तो अगर ये पेंडुलम है, पेंडुलम में मान लो अगर इक्वेशन बनेगी तो ऐसी बनेगी थीटा एंगल पर, पेंडुलम किसी भी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, और उस इंस्टेंट पर इसके पास टेंशन क्या है, टी, टेंशन टी है। पेंडुलम का जो वेट है वो कितना है, एम जी है, और इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल भी कितना है, थीटा, और इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ऐसे, ठीक। इस इंस्टेंट पर मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, अब क्योंकि पेंडुलम का सेंटर तो ये बनेगा, पेंडुलम के फ्री बॉडी डायग्राम से ये फोर्स टुवर्ड सेंटर है और ये इसे अपोज कर रही है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या बनेगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। वो पूछेगा टी निकालो, टी निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करके आपको टी निकालना, आप याद नहीं कर सकते, आपको पेंडुलम के फ्री बॉडी डायग्राम्स आने चाहिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे पी वाई क्यू में, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पेंडुलम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सबको। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कल के अंदर एक और चीज़ है इसमें जो काफ़ी यूज होती है, कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल सर्कल में है ऐसे, और अगर आप चाहते हो कि वो एक चक्कर पूरा काटे, है ना, वर्टिकल सर्कल को ऐसा भी हो सकता है बॉडी यहाँ जाके नीचे भी गिर सकती है, पर आप चाहते हो कि वो एक चक्कर काटे, तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे के पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5RG, और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ RG। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कौन सी वेलोसिटीज हैं, मिनिमम वेलोसिटीज हैं। आप इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटीज रखेंगे
तो श्योर शॉट पक्का घूमेगा वर्टिकल सर्कल में, पर इससे कम रखेंगे तो नहीं घूम पाएगा, इसके इक्वल पे भी घूम जाएगा। तो दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, पेंडुलम के केस में या वर्टिकल सर्कल पे किसी भी केस में एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। जैसे ये मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, वो नीचे से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मान लो वो स्टार्ट हुआ था, आपको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और आपको लेंथ गिवन है पेंडुलम की 1 मीटर, मान लो आपको ये एंगल भी गिवन है, मान लो 30 डिग्री एंगल है। तो एक चीज़ कभी नहीं भूलनी पेंडुलम में, कि अगर आपको एक या वर्टिकल सर्कल में, जब भी बॉडी वर्टिकल सर्कल में किसी भी, चाहे वो सर्कल में घूमे, पेंडुलम में घूमे, कैसे भी घूमे, आपको अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन और दूसरे की निकालनी है, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, और वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। इसी से निकल पाएगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राउंड मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, इसके लिए तुम्हें ये हाइट एच निकालनी पड़ेगी। एच निकालने का शॉर्टकट याद कर लो, अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी कितनी है, एल है। अगर ये एल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये मान लो एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल इंटू कॉस थीटा। तो लेकिन आपको तो एच निकालना है, तो एच की वैल्यू एल माइनस एल कॉस थीटा, या एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये शॉर्टकट है। कभी भी ये हाइट निकालनी हो पेंडुलम्स के केसेस में, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला लगेगा, और तुम्हें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल ही निकालनी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला एम जी एच है, ये एम जी एच है, और काइनेटिक का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, सीओ। तो यहाँ से सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक वहाँ पे और यहाँ पर क्या कर देना आपने, इक्वेट, आपका आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? तो कभी भी वर्टिकल सर्कल में एक वेलोसिटी गिवन हो दूसरी निकालनी हो, एनर्जी कंजर्वेशन ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब मुझे पता नहीं है देखो क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जब स्टार्ट करेंगे, अगर कोई थ्योरी का और पार्ट चाहिए होगा तो एटलीस्ट मैं आपको साथ साथ बताता चाहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये रहा, तो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम तो मैंने डिस्कस की थी इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा, ये रहा, ये लो।